जंचवार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं खुशबू, आप देख रहे हैं जंचवार। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में। गाजियाबाद जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में से एक है, आज यहाँ पे हवा में प्रदूषण का स्तर 800 के आसपास पहुँच गया है। लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा प्रदूषण के कारण, आइए हम लोगों से बातचीत के जरिए जानते हैं। गाजियाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में से एक है, आज यहाँ पे लोगों का क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। सर, जो हवा में प्रदूषण का स्तर है 800 के आसपास पहुंच गया, इससे आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? इतनी दिक्कतों का सामना पड़ रहा, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आँखों में कोई मिर्च मार रहा हो। मोटरसाइकिल नहीं चलते ऐसा लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रदूषण है। ये आप जो दिक्कतें आपको हो रही है, ये कब से शुरू हो गई, ये कितना ज्यादा है? ये दीपावली से हो गई है। पंजाब से जो धान की पाल जलाई जाती है उसका असर पड़ता है, और मेन तो दीवाली का है, दो दिन से वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। उसके लिए सरकार काम कर रही है ना सर, ऑडिवन स्टार्ट कर रही है, तो सरकार की मुहिम तो कंटिन्यू चलती रहती है, पर आम पब्लिक को भी तो अपना थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। जो प्रदूषण का स्तर है 800 के आसपास पहुंच गया, ऐसे कितनी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? दिक्कत तो बहुत है, हद से ज़्यादा दिक्कत है। हम गाड़ी जब चलाते हैं, गाड़ी हम शीशा नहीं खोलना चाहते, आँखों में जलन होती है। गाड़ी दिल्ली में बहुत दिक्कत है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ स्तर तक कम है, आज बहुत कम है। 3 दिन में ज़्यादा था, आज कम है। भैया जी, यहाँ डीजल की बसें हैं, यूपी बॉर्डर से आती हैं, डीजल की बसें धुआं देती हैं, प्रदूषण कम है, कम नहीं हो रहा उनका, नहीं समझ में आती है। वैसे भी धुआं कहीं आग लगा देते हैं, कूड़े बूढ़े में आग लगा देते हैं, उसे कोई देखता नहीं है। प्रदूषण के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रदूषण के जिम्मेदार कौन होएगा, ये तो क्या बताऊँ, सरकार तो अपना काम कर ही रही है ना। बहुत दिक्कतें होती हैं, आँखों में जलन महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मैं माइग्रेन पेशेंट, तो मुझे स्मोक से भी बहुत दिक्कत है, तो काफ़ी दिक्कतें हैं। ये सिर्फ घर में हो रही है, बाहर जाते वक्त भी? घर में इतना फील नहीं होता, घर बंद है तो उतना नहीं पता लगता, लेकिन जब बाहर जाते तो बहुत फील होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आँखों में जलन हो रही है और बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है, उसकी वजह से बाहर निकलने में मतलब खांसी वांसी प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, और सांस लेने में तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। घर में भी होती है आपको ये सारी दिक्कत? नहीं, सिर्फ बाहर होती है, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से बाहर। अच्छा, बीइंग अ टीनेजर, आप प्रदूषण के लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं? हम ही जिम्मेदार हैं उसके लिए, क्योंकि हमारी वजह से हुआ है। क्रैकर वगैरह तो हम ही ने यूज़ किए थे सब, और बाकी थोड़ा जो जलता है वगैरह उससे हो जाता है, लोग पॉल्यूशन के लिए प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं, जो दूसरे स्टेट से धुआं आया है उसके लिए। यहाँ जो इस समय पॉल्यूशन की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जिससे बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, छोटे बच्चों को, बुजुर्ग लोगों को, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। आप कंपेयर करोगे, क्योंकि हम बिलोंग गांव से करते हैं, नेचुरल हवा हम लोगों ने ली हुई है, और यहाँ आके दम सा घुटता है, हम ड्राइव करते हैं, आँखों में जलन होती है, जबरदस्त जलन होती है, कई बार रुक के पानी से धोना भी पड़ता है आपको। तो प्रदूषण के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार दोनों हैं, पब्लिक भी जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार का पब्लिक पे कंट्रोल नहीं है और पब्लिक का सरकार पे ढंग से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अच्छा, जो प्रदूषण का जो स्तर है, ये सिर्फ यहाँ आसपास के क्षेत्र में जाते हैं या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी है? हम जहाँ रहते हैं गाजियाबाद में ही रहते हैं, इसी क्षेत्र में ज़्यादा है। आप देखोगे, अभी आज सुबह ही मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, दूसरे नंबर पे है गाजियाबाद पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो दूसरे नंबर ऑल ओवर इंडिया में। दूसरे नंबर पे आने का कारण क्या है कि यहाँ का जो सिस्टम है वो सारा गड़बड़ाया हुआ है। नगर निगम कुछ नहीं कर रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही, और पब्लिक भी अपने जो दायित्व हैं उनको पूरी तरह से निभा नहीं रही है। सर दर्द हो रहा है, इतना प्रदूषण हो गया, तुम क्या बताएंगे? और क्या हो रहा है आपको? सर दर्द, तबीयत भी मंदा लग रहा है, जैसे कि जैसे तबीयत खराब हो रहा है, खांसी बुखार। प्रदूषण का जो स्तर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, आपको किन दिक्कतों का सामना करना? 2 दिन से ज़्यादा दिक्कत आ रही, ठीक है, धुंध भी हो रही सब जगह, और धुआं आ रहा, आँखों में जलन, सर में दर्द, इसी तरह सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आँखों में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी आ रही है। प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या, अगर आपके हिसाब से माने तो? दीपावली का कारण था, और बाकी हरियाणा में जो खेती जलाते हैं उसमें कारण है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकारी जिम्मेदार।
सांस इतनी फूल रही है, सांस लेना मुश्किल है, बच्चे की खांसी नहीं ठीक हो रही है और बढ़ती जा रही है, इतना ज़्यादा घुटन हो रही है, मन करता दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर ही रहो, बाहर तो अभी बोलने में ही दिक्कत हो रही है। कुछ तो ये पटाखे हैं और कुछ तो पयाली जो हरियाणा से आ रही है उसका, और क्या समझ सकते हैं, इतना ही समझ में आता है हमें भी। सेम चल रहा है कि मतलब पोल्यूशन से धूप भी नहीं पता चल पा रही है कि धूप निकल रही है, बट गर्मी है उतना फील हो रहा है, बट वही है कि पोल्यूशन से ना धूप आ रही है ना ही सांस लेने में सबको प्रॉब्लम हो रही है। इसकी जिम्मेदार एक तो पटाखा है, ठीक है, और दिक्कतों का सामना हम ये कह सकते हैं कि इससे बच्चों को जो है सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है, खांसियाँ इससे जो है जल्दी बंद नहीं हो रही है खांसियाँ, तो इसलिए फिर हम लोग बच्चों को बाहर भी लेके नहीं निकल रहे हैं, और बाहर भी निकल रहे हैं तो मास्क वगैरह लगा करके थोड़ा सा प्रोटेक्ट होके करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बच्चे इससे तबीयत और ख़राब होगी। थोड़ा ये है सांस में प्रॉब्लम हो जाती है, सांस में आपको दिक्कत होती है, इसके साथ साथ और आँखें भी मिर्च सी लगती है। कारण तो गाड़ियाँ बंद कर दें, इशू क्यों करते इतने, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गाड़ियों को बिल्कुल ही बंद कर देना, केजरीवाल तो कहता है तो बंद करवाते हैं उनको, क्यों नहीं करवाता वो, केवल ये मत ना करके पॉलिटिकली उसको पॉलिटिकल रंग मत दो, किसी भी काम करते तो ऐसा करो कि इसका मुकम्मल हो। पराली तो कई सालों से जलती आ रही है, आज कोई नई बात नहीं है यार, पराली का कोई निकाले कि क्या करना है, उसका सब्स्टिट्यूट तो निकाले कोई, पॉल्यूशन के लिए सजा कहाँ से है भाई, क्या करेंगे, बरसात होगी तभी तो दबेगा, बरसात होनी नहीं, पॉल्यूशन का एक कारण हम भी तो हैं, हम ही लोग हैं, चाहे तो है। आप देखो ना पॉल्यूशन का एक कारण हम भी तो हैं, प्रदूषण है, लेकिन प्रदूषण कुछ हम फैला रहे हैं, कुछ प्रदूषण गाड़ियों का फैल रहा है, अब वो बाबूजी बोले केजरीवाल केजरीवाल कर रहे, अरे सरकार तो हमारी बीजेपी की है यहाँ, बीजेपी तो कुछ करे या केजरीवाल ही करेगा अकेले, हमें पॉल्यूशन है, अब जब हम मार्केट में घूम रहे आँखों में जलन हो रही है, सांस में दिक्कत आ रही है, ये कारण है ना सर, ये भाई सब कह रहे हैं इस पोल्यूशन से दिक्कत है, यही हमारे पास गाड़ी पेंट कराने आए, अभी ने इस पोल्यूशन को पता है कि मेरे गाड़ी पोल्यूशन होगा और दिक्कत होगी मुझे, तो सीधे कंपनी लेकर जाएं, कंपनी में भी तो पोल्यूशन नहीं होगा भाई, तो कंपनी बंद कराओ फिर आप कंपनी बंद कराओ, जब पोल्यूशन है आप गाड़ी मत चलाओ, आप डीलिंग का काम कर रहे हो, आप पाँच पाँच सात सात गाड़ी है, आप इस चीज को देखो ना, हमें रोड पर पोल्यूशन कराने दिक्कत है, आप काम नहीं कराओ, ये रोड पर ही काम करा रहे हैं, लेकिन आदमी को बोलना जरूर, बस खुद पे कंट्रोल है नहीं, दूसरे को बोलना, नाले से नहीं है, नाले से नहीं है इससे है, और इससे यही काम करा रही है। अभी पहले भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा थी, मगर जब से ये दीपावली हुई है उसके बाद से इतनी ज़्यादा धुंध है कि आपको सुबह उठते ही आँखों में जलन होती है, अभी भी इवन मैं आ रही हूँ जब तो इतनी आँख जलन हो रही है, और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पूरा धुंध रहता है, सुबह उठते ही बिल्कुल अंधेरा रहता है, और गाजियाबाद में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, अब इसके लिए सरकार क्या कर रही है, ये तो पटाखे वगैरह भी बंद हो गए हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम हो गई, लेकिन पटाखे बंद होने के बावजूद आप दीपावली के बाद का मौसम आप देखो, पहले का मौसम और दीपावली के बाद से मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, ये पॉल्यूशन की वजह से सबको परेशानी आ रही है, अब इससे निपटने के लिए हमारे पास तो कोई साधन है नहीं कि मैं निपटूँ, ये सरकार का दायित्व बनता है इससे निपटने के लिए।